विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी, इसे धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख माह में पंचकोसी यात्रा यहाँ पर प्रारंभ होती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के पांच पड़ावों के दर्शन करते हैं। सर्वप्रथम नागचंदेश्वर महादेव का मंदिर यहाँ से बल लिया जाता है, उसके बाद यह यात्रा प्रारंभ होती है। कड़कड़ाती धूप में भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालु अपने साथ सिर पर कपड़े की बोरी बांधते हुए तपती धूप में यह यात्रा पर निकलते हैं। 118 किलोमीटर की यह यात्रा में करीब पांच पड़ाव आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह यात्रा करने से 100 प्रकार के पापों का नाश होता है, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह यात्रा को अवंतिका नगरी की यात्रा भी कहा जाता है। आइए पंडित जी से जानते हैं इस यात्रा का धार्मिक महत्व। वैशाख महीने में जो प्रारंभ होकर जो है जो तिथियों के हिसाब से यात्रा चालू होती है, नागचंद्रेश्वर मंदिर से बल लिया जाता है। यहाँ पे घोड़े जैसा बल मिलता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ भक्तों को विशेष पावर मिलता है चलने के लिए, तो वो यात्रा यहाँ से चालू होती है और यहीं पे उसका उद्योग होता है। तो ये पाँच दिन की यात्रा 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं अमावस तक चलती है यात्रा। पाँच दिनों में पाँच मंदिर के दर्शन करके भक्त अपने घर पहुँचते हैं, तो ये महत्व है। देखा जाए तो 118 किलोमीटर यात्रा मानी जाती है। पड़ाव दर पड़ाव इसमें पांच पड़ाव होते हैं, तो इसमें पड़ाव भी जो है तो पांच दिन में पांच पड़ाव, तीन मंदिर, पांच चार मंदिर, ऐसा करके पांच दिन पूरा करते हुए ये यात्रा बढ़ती आगे। तो ये पंचकोसी यात्रा का एक विशेष फल प्राप्त भी भक्तों को पुराण में बताया गया है कि ये अवंतिका सप्तपुरियों में से एक महान नगरी है, अवंतिका नगरी। अब संभव नहीं है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो भक्तों के किसी को दर्शन कर ले, पूजन कर ले, देख ले कहाँ कहाँ है। लेकिन अगर भक्त ऐसा यात्रा है बनाई गई है जो चार महादेव बैठे हैं चार कोने पर, तो जो दिशाओं के हिसाब से बैठे हैं, तो ये एक यात्रा वैशाख मास में आती है। तो वैशाख मास ऐसा है कि तप का महीना होता है, शिव जी का विशेष महीना होता है, और भक्त लोग जब घर से निकलते नहीं, अधिकतर लोग वो भक्त लोग घर से निकल के जो पाँच दिन घर से बाहर जंगल में रहते हैं और अपना बनाता खाते हैं, तो एक अलग ही अनुभूति होती है उनको। साक्षात महादेव के दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है कि भोलेनाथ सातवीं यात्रा में, ये दुर्लभ यात्रा है, ये जब देखते हो तो मंत्र विभूति करने वाली यात्रा है। माँ ये तो तप की साधना की, वो फल तो विशेष फलदायी मानी गई है। अवंतिका नगरी की परिक्रमा करना परिक्रमा मानी गई है। चार दिशाओं में ये यात्रा घूमती है, द्वारपाल महादेव बैठे हैं, अवंतिका नगरी है सप्तपुरियों में से, तो ये नगरी तो विशेष है। और इसका विशेष महत्व ये होता है कि वैशाख मास में जब भक्त लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और इतनी बड़ी धूप में भरी दोपहर में जब यात्रा करते हैं पाँच दिन, तो इसका जो है सारा शरीर में भी विशेष ऊर्जा मिलती है, क्योंकि भक्त आसमान के खुले आसमान में देता है, तो वो सारी ज़मीन से भी ऊर्जा मिलती है, वो खेतों में सोता है, तो ये भी एक चमत्कार है कि लाखों जनता खेत में सोती हो, ऐसा कोई आज तक हमने सुना नहीं कि कोई घटना हुई। ये भी एक वो होता है, जंगलों में सोना है लाखों पब्लिक का एक साथ, बिल्कुल निश्चित है। तो वैज्ञानिक कारण भी वो कहता है, धूप में निकलना और इतनी बड़ी सामान भी रख के साथ में चलता है और भजन भी करता है, प्रभु भी देखता है, तो उनको निश्चित रूप से उनके सारे अंदर नई ऊर्जा बढ़ते हुए, नई शक्ति का संचार देते हुए, ऐसा बिल्कुल निरोगी काया कर देता है। बहुत बहुत सेवा भी करते हैं, बहुत बहुत गाँव वाले जो गाँव बैठते हैं रास्ते, ग्राम पंचायत सरकार नगर सब करती व्यवस्था, तो इतना कि उनको हाथों तले लेते हैं, वो तो देखने लायक दर्श होता है। वहाँ का जो ग्राम जिस जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरती है, तो ठंडा गर्म कोल्ड ड्रिंक खाना पीना उनको खूब खूब मिलता है।